अरे रुको रुको, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते और बहुत सारे शायद जानते भी होंगे, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ देख के जाना अगर टाइम हो तो आपके पास। थैंक यू सो मच, आप लोग अभी भी रुके हो इसका मतलब आप लोग मुझे जानना चाहते हो, और अगर आप ऐसे ही रुके रहोगे तो धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को जान लेंगे, मैं आपको और आप मुझे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो शायद मैं आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगूंगा, क्योंकि बात वही हो जाती है कि एक कैमरा और एक ट्राइपॉड उठा के कोई सौरभ जोशी नहीं बन जाता, कोई फ्लाइंग बेट नहीं बन जाता, कोई मुंबईकर निखिल नहीं बन जाता, उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। देखो गाइस, एक अच्छा ब्लॉगर बनने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक पहला कि आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्टिंग में कुछ भी हो सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, या खूब सारी मस्ती करते हो, या आपकी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है आपके साथ, तो जो कि मुझे लगता है कि मेरे साथ है। मेरी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इन्जॉय भी मैं खूब करता हूँ अपनी लाइफ को, और ट्रैवल भी मैं करता रहता हूँ। तो ये सेकेंड थिंग ये है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, आपसे बात करने के बाद लोगों को कैसा लगता है और उनका फीडबैक क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे आप बताओगे कि मुझसे बात करने के बाद आपको कैसा लगता है। और अभी मुझे पता है पहली वीडियो में पता नहीं चलेगा, आगे चल के जब मैं वीडियो डालूंगा धीरे धीरे आप लोग देखोगे तब आपको पता चलेगा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, मुझसे बात करने के बाद आप लोगों को कैसा लगता है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्यूवर्स। व्यूवर्स एक ऐसी चीज़ है जिनके लिए आप वीडियोस बना रहे हो, और जैसे जैसे आपके व्यूवर्स बढ़ते जाते हैं तो आप लोग इनकरेज होते हो और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, अपने कंटेंट को डेवलप करने में, सुधारने में, तो व्यूवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बस मेरे हाथ में ये है कि मैं अपनी वीडियोस कैसे बनाता हूँ और कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को डिलीवर करता हूँ, और बाकी सब आप लोगों के हाथ में। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि धीरे धीरे आप लोग मुझे जानोगे और मैं आपको, तो यहाँ मैं अपने बारे में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ आप लोगों से कि मेरा नाम शिवम पुजारा है, जैसा कि आप लोगों ने चैनल में पढ़ ही लिया होगा, और रहने वाला मैं उत्तराखंड हरिद्वार का हूँ, और पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी मैंने ठीक ठाक नंबरों से अपनी 12th कंप्लीट कर ली है, ठीक ठाक नहीं, अच्छे नंबरों से अपनी 12th कंप्लीट कर ली है। फिलहाल मैं कर रहा हूँ ग्रेजुएशन और अपने पैशन को फॉलो। ऐसा इंट्रोडक्शन काफ़ी है या आप लोगों को ऐसा इंट्रोडक्शन दिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम पुजारा, आई एम 19 ईयर ओल्ड बॉय, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड हरिद्वार, वी आर 5 मेंबर्स इन अवर फैमिली, वन इज़ मदर, वन इज़ फादर, वन इज़ एल्डर सिस्टर, वन इज़ मी मिड वन, एंड वन इज़ माय यंगर ब्रदर, एंड माय हॉबी इज़ दैट। ये वाला थोड़ा बचपन में आ गए अपने। अब मैं आप लोगों को अपने थोड़े कैमरा गैजेट्स के बारे में बताता हूँ। मेरे पास है एक ये कैमरा जो है कैनन G7X Mark II, और एक ये ट्राईपॉड, और एक ये फ़ोन जो आप लोग अभी देख रहे होंगे, तो यही फ़ोन है जिसमें मैं सारी एडिटिंग वगैरह करता हूँ। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार इसके पास कैमरा है, ये है, वो है, मतलब है, पर ऐसा नहीं है। ये कैमरा लेने का भी बहुत एक स्ट्रगल रहा है। मेरा एक हॉर्स चैनल था उसके बारे में यहाँ मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट था जिसमें मैंने 30,000+ सब्सक्राइबर करे थे। आफ्टर ऑल उसके बाद मैंने ये कैमरा लिया था, तो डोंट से दैट कि हाँ चलो ले लिया बस, तो इसके पीछे भी अलग स्टोरी है, वो कभी बताएंगे अगले व्लॉग में। और बेसिकली बस यही मेरा कैमरा गैजेट है, अभी भी एडिटिंग वगैरह सारी मैं फ़ोन से करता हूँ, और यही बस मेरे पास दो गैजेट हैं, एक कैमरा, एक ट्राईपॉड। देखो गाइस, पहली मुलाकात में तो इतनी जान पहचान काफ़ी है। अगर आप लोग मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखो, मैंने तो अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया, बस आप लोग भी बता दो कि आप कौन कौन सी जगह से ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कौन कौन से स्टेट से, कौन कौन से ज़िले से, कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई है तो डिसलाइक करो, और बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो चैनल भी सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा पसंद आई है तो चैनल की ये जो वीडियो है इसे शेयर करो ताकि तुम्हारे भाई को अच्छा लगे। देखो गाइस, मैंने अपना काम कर दिया। मेरा काम था वीडियो बनाना, वीडियो को अपलोड करना। यूट्यूब का काम है यूट्यूब वीडियो में रीच देना, जो कि यूट्यूब दे रहा है अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो। पर आप लोगों का काम है कमेंट बॉक्स में लिखने का, मतलब आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखो फीडबैक में, बुरा लगा तो बुरा लिखो, कुछ सजेशन देना है, कुछ अच्छा फीडबैक देना तो वो दो, बट कमेंट बॉक्स में लिखना आपका काम है ना। हमने अपना काम कर लिया, यूट्यूब ने अपना काम कर लिया, आपको भी अपना काम करना है। ओके, और लव यू ऑल गाइज़।